तो ऐसा ही होता है जब इन लोगों को पेपर्स वगैरह रखने तो रखते नहीं है खुद से, फिर हमें दे देते हैं। हमें इतना सारा सारा काम होता है घर में, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होती है, तो वैसे ही मेमोरी काम नहीं करती है, सब कुछ ऐसा वैसा जैसा तैसा हो जाता है। और फिर कई बार पेपर रखने देंगे, फिर मांगेंगे, फिर देखेंगे, फिर इधर उधर भी कर देंगे, और बदनाम हमको ही करते हैं। और फिर जब नहीं मिलता तो पूरा घर, एक इम्पोर्टेंस पेपर थी जो कि कन्फर्मेशन का एक पेपर था, वो ढूंढने में घर की हालत ख़राब हो गई है। और ऊपर से 3:30 का टाइम भी हो गया है, और सुबह से ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग सिर्फ फटा जा रहा था। कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंस वक्त पे ना मिले ना तो पूरा घर बेकार हो जाता है। और किनके किनके घर में ऐसा होता है कि जब भी कुछ चीज़ें खोती है, खास करके पेपर्स वगैरह, तो एक तो मेंटली प्रेशर और हेल्थली भी प्रेशर, और सारी चीज़ के प्रेशर में घर ऐसा हो जाता है बिल्कुल। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और ये सारा कचरा साफ़ करके अगर मे भी शाम को मेरे को टाइम मिला तो हम ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय। आज हमारे पे घर में खो गया था एक पेपर, और मिडिल क्लास फैमिली में पेपर खोता है तो घर का क्या हाल होता है देखिए। और अब ये सारा सारा का सारा मेरे को ही ठीक करना है, कपड़ा वपड़ा सारी चीज़ें ऐसे वैसे जैसे तैसे हो गई है। देखो हर जगह पे ढूंढते हैं, अनएक्सपेक्टेड जगह पे ढूंढते हैं। ये देखिए आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, ये देखिए कैसे हुआ पड़ा है सारा, इधर भी ढूंढा गया था। तो ये सारी चीज़ें अब वाइफ को ठीक करनी होती है, वाइफ ही को। और चूँकि ये अंदर की चीज़ें हैं तो हम ठीक करें या ना करें, बाहर के लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि अंदर क्या ठीक करना था और क्या बिगड़ा था। ये देखिए ये पेपर ढूंढने का नतीजा हुआ है। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि वो एक इम्पॉर्टेंट सा पेपर था, बट उसके लिए इतना ज़्यादा ये देखिए पेपर्स सारे, बैग्स वगैरह सब कुछ। यार आज बहुत काम हो बढ़ गया है और मेरे को काम करना है बहुत सारा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था उस दिन कि हम DIY करने वाले हैं बॉटल का, तो मिट्टी नहीं थी, मैंने इस वजह से बहुत सारा तो नहीं किया है। मिनट कैमरा साफ कर ले रही हूँ, बट जितना किया है ना मैं उतना दिखा दे रही हूँ। ये एक बॉटल था जिसमें मैंने क्या रे दिखाई क्यों दे रहा, ये एक बॉटल था उसको काट के मैंने इसमें एलोवेरा का प्लांट्स लगाया है, और एक ये छोटू सा जो है इसमें कुछ पता नहीं कुछ है, इसका मेरे को नाम पता नहीं है, बट वो जो वहाँ पे बहुत सारा फैला हुआ है ये वाला जो बहुत सारा, ये देखिए ये जो बहुत सारा फैला हुआ है ना वही है, उसी का बेबी प्लांट है ये। उसी का ये बेबी प्लांट है, और एक ये है, ये भी एक मैंने एलोवेरा ही इसमें लगा दिया है, इसमें भी मैंने एक एलोवेरा लगा दिया है, इस वाले में भी। ये तीन बॉटल इधर वाले हो गए, और ये एक फ्लावर चूँकि रेड रेड सा होता है तो ये नारियल का डब्बा था, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और ये मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई हुई है बड़े वाले बॉटल में, जो कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मरिंडा, वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल था ये बड़ा सारा, तो उस पर मैंने एक ये मनी प्लांट का लगाया है। और ये था फ्रूटी का, क्या बोलते हैं, माजा का छोटा वाला बॉटल, इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है छोटू सा। और ये था शायद एक जो तेल आता है 2 लीटर का उसका डब्बा था ये, तो इसमें भी मैंने मनी प्लांट ही ग्रो किया हुआ है, क्योंकि मनी प्लांट यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा धूप लग रहा है, क्योंकि इसका ये थोड़ा सूखा सूखा सा हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी धूप से, क्योंकि फिर सारा बर्बाद हो जाएगा मेरा मेहनत। और इस ये भी फ्रूटी का ही था, तो इसमें भी मैंने ये वाला ग्रो किया है। और ये फ्रूटी का बड़ा बॉटल था, वो मासा का बड़ा बॉटल था, इसमें भी मैंने मनी प्लांट ग्रो किया है। और ये था, ये भी कोल्ड ड्रिंक का है, फिज़ का है, ये फिज़ का छोटा बॉटल है ये, तो इसमें मैंने ये लगाया है।
और ये भी है, और ये है कोको कोला का बॉटल, आपको पता चल रहा होगा। इसमें भी मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगा रखी है। और इतना इतना सा इतना सारा पेड़ अभी हुआ है हमारा, ये देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा है। सब कुछ अभी सही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ग्रो कर करके मैंने इतना सारा प्लांट्स बनाया है। और ये देखिए, ये सब सारे कटोरी वटोरी सब ख़राब हो गए थे, दही का डब्बा, इन सबों में मैंने लगाया हुआ है जेड प्लांट। इधर भी देखिए, जितना भी जो खाने वाला डब्बा आता है जब बाहर से मंगाते हैं, उसका मैं यही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा हम क्या करेंगे। और ये था एक मटका जो कि टूट गया था, तो उसका जो आधा हिस्सा बचा था टूटने के बाद, जो नीचे वाला बचा था, उसमें भी मैंने जेड प्लांट ग्रो कर दिया है। और बस इधर मैंने काट कूट के रखा हुआ है। और एक ये है जिसको मैंने टांग दिया है दीवार में, तो ये है ये वाला प्लांट्स, इसको मैंने काट के और लगाया हुआ है। तो ऐसे ही मतलब मेरे पास थोड़े से ही पेड़ थे और एक दो ही प्लांट्स थे, और ये वाला तो मेरे पास इतना सा था, बस इतना ही सा था जब मेरे को मिला था तब। और मैंने ये सारा सारा ग्रो किया हुआ है। और इस वाले को ना चूहा, बहुत बहुत ज़्यादा चूहे काट रहे हैं, काट करके बेचारे का हालत ख़राब कर दिया है। तो देखते हैं अब क्या कैसे होता है। चूहे बहुत ज़्यादा हो गए, और ये मैंने झंडा फहराया था उस वाले दिन, उसका है। और अभी बजे हुए हैं 4, फिर भी थोड़ा बहुत फ्लावर अभी मुरझाया नहीं है। 10 बजे वाला या पोटरोला का प्लांट आप बोल सकते हैं इसको। और इसको भी चूहे ने खा के ऐसा कर दिया, आपने देखा भी था इसको कि ये कितना घना था, बट इसको चूहे ने खा लिया है। चूहा खा के इसको ऐसा कर दिया, चूहे ने खा के, पर इसको ऐसा, बट इतना इतना सा बचा हुआ है, तो ये ग्रो हो जाएगा अभी। तो ये है हमारा गार्डन एरिया, जिसको मैंने अभी थोड़े थोड़े प्लांट्स कर करके और ऐसा बना दिया है। और अभी और भी क्रिएशन बाकी है, तो हम आपको बाद में जब हम कर लेंगे तब आपको दिखाएंगे। पर ये सीढ़ी वाले एरिया पे इतना इतना, तो बस। और अभी मैं जा रही हूँ इस वाले घर को ठीक करने, क्योंकि फिर पता नहीं क्या क्या खो जाए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे। और ये देखिए, फाइनली मैंने इसको टांग दिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से सब जा रहा है, कितने अच्छे से इधर से भी निकला हुआ है। इस वाले मैंने इधर से इसका ढक्कन निकाल दिया है, तो ये रोज़ाना तो जाने इसमें खिलता है, तो कितने अच्छे से इधर से भी निकला हुआ है। और उधर भी देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। और ये देखिए इसमें भी इधर से निकला हुआ है कई सारा, और यहाँ पर इसमें फूल वगैरह निकला हुआ भी है। देखिए, और एक यहाँ पे मैंने ऐसे सीधे सीधे काट के लगाया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे से जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी लगाया हुआ है, तो इसमें भी इधर से निकला हुआ है इतना सारा। और ये देखिए कितने छोटे छोटों से इसमें लगे हुए हैं पौधे, फ्लावर्स, जो कि कल परसों में आएगा। और एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से ये भी, एक ये देखिए इधर से भी निकला हुआ है पूरा, ये इधर से निकल जाएगा। और कितने सारे छोटे छोटे से इसमें आए हुए हैं बीट्स पे, और एक दो फ्लावर निकला हुआ भी है। मैंने सारे DIY करके टांगे हुए थे, सब ने इधर से निकला हुआ है, और सब ने फ्लावर एक दो रोज़ लग जाते हैं, 3-4। और ये इससे ज़्यादा ऊँचा है तो मैं दिखा नहीं पा रही, बहुत दिख रहा है इसमें करना वहाँ था। और ये थोड़ा बॉटल बड़ा था, इसलिए इधर से इसमें बहुत सारा निकला हुआ है। और ये यहाँ वहाँ पे एक चूहा गिर गया था, इसके लिए मैंने सारे कपड़े वगैरह हटा के और वहाँ से चूहा को हटाया है, क्योंकि वो चूहा बदबू आ रहा था, बहुत सड़ गया था चूहा।
और एक मैंने इस तरीके का भी लगाया हुआ था, इस तरीके का लंबे से इधर से कटा हुआ है, काटा हुआ है और इधर से काटा हुआ है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से निकला हुआ है फ्लावर, बीच में थोड़ी सी जगह है, और ये भी ऐसा ही कटा हुआ है, तो इधर से भी निकला हुआ है, और कितने सारे इसमें लगे हुए रूट्स, और बस ऐसा ही है। तो अगर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। सुबह से लेके हो गई है शाम, मेरे को तो पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर भी सारी चीज़ें करते करते ही देखिए कितना सारा टाइम लग गया। और ये हमारा बेबी प्लांट्स, जो कि सदाबहार का प्लांट्स है, सदाबहार का बेबी प्लांट्स है जो कि मैंने बीच से बनाया हुआ है इसको, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। और इसको मैं दूसरे में प्लांट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, प्लांटर में सब निकाल के। ये देखिए कितना सारा है, तो इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इसका, और अभी छोटे छोटे से गेंदे के फूल भी निकले हुए हैं इसमें से, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और ये देखिए हालत ख़राब हो गई है, और गार्डन की भी बहुत सारी हालत ख़राब हो गई है। ये है छोटे छोटे प्लांटर, और ये मेरा एक नया बना है तेल वाले डब्बे को काट के, जिसमें तेल वाला प्लांट लगा हुआ, और ये देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है इसमें, और सारे गमले के जगह भी बदल गए हैं। तो चलिए अब मैं जितना भी बचा हुआ है उसको ठीक करके साफ़ सुथरा करके फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी बचे हैं 4:30 और ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए मैंने सारे बेबी प्लांट्स, ये एक दो गेंदे वाले बचे थे चूहे से वो, और ये सदाबहार वाले इसमें लगा दिया है, और एक दो कटिंग भी लगा दी है इसमें, और इसको यहाँ पे रख दिया है। और ये देखिए हमारे बाकी जो छोटे छोटे प्लांट और खाली हो गए थे और बेकार से हो गए थे डब्बे, उसमें मैंने ये बार लगाया है, बट मैं इनको एडजस्ट करूँगी कहीं ना कहीं, और फिर झाड़ू लगाऊँगी, और इसके बाद मिलूँगी आपसे। और एक और काम करना है, तुलसी लगाना है, एक तुलसी वाला बाल्टी मैंने खाली कर दिया, उसको साफ़ करके मिट्टी चेंज करना होगा। फाइनली हो चुका है साफ गार्डन, और वहाँ पे छोटा छोटा वाला प्लांट और सबको ठीक करना है, और उस वाले रेड वाले बाल्टी में तुलसी लगाना है, और बाकी सारे हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है, सिर्फ 4 दिन मैं बीमार इतना रही कि अच्छे से केयर नहीं कर पाई, बस अच्छे से नहीं देखा, इतना सारा कचरा यहाँ पे जमा हो गया था। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि आप इधर उधर कोई चीज़ कर देते हो ना तो फिर पता नहीं चलता है, जो कि डीपली अगर उसको इसको नहीं जानता और साफ सफाई नहीं होता होता, तो इसलिए सब लोगों ने यहीं पर सारा कचरा जमा करके रखा होता है, ये देखिए। लेकिन फिर अब अच्छा लग रहा है, तो चलिए, और सूरज डूबने को है, आप देख सकते हैं। सुबह से शाम हो के यही काम करते करते, और बाकी एक्स्ट्रा काम अभी सारे के सारे बाकी है, तो डूबते सूरज का मजा ले लीजिए एक बार। और इस वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और सुबह से शाम हो चुकी है, तो मैं अब लेती हूँ यहाँ पे विदा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, स्वस्थ रहे।